ये सम्मान और सम्मान पंकज सर देखिएगा, सर देखिएगा, अलीशा सुल्ताना ये हो कुमार देखिएगा यहाँ विकास निराले भाई ये भी स्कूल के पूर्व छात्र हैं। जोरदार ताली लगाइए। टेम्परेचर जो है देखिए 13 हो गया, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि वाटर सेविंग डिवाइस का जो है लोकार्पण हुआ, इनॉग्रेशन हुआ और यहाँ पर जो है डेमो करके दिखाया गया सीए साहब के सामने में। इस वॉशर पर जो है कुछ हमारे गेस्ट, कुछ बच्चे को सम्मानित किया गया, इवन के टीचर्स वगैरह जो भी हमारे रहे हैं उनको सम्मानित किया गया है, क्योंकि कोई भी शुभ काम, कोई भी अच्छा काम अगर हम करते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि शुभ काम में कुछ जो है अलग हटकर कुछ चीज़ें जो है होनी चाहिए। इसमें जो है बच्चे लोगों को भी सम्मानित किया गया, टीचर्स वगैरह को भी सम्मानित किया गया और हमारे दोस्तों को भी जो है सम्मानित किया गया, तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। अब हमारे जो है सीएस साहब जो है वो जाने को है, देखिए दोस्तों अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। मज़ा इसलिए भी आने वाला है क्योंकि आपको आगे आगे मैं दिखाऊंगा कि जो बच्चों का जो एक्ट है वो भी आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ जो है इस वीडियो में आखिर में आपको देखने को मिलेगा कि किस चीज़ की वजह से जो है ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया और सम्मानित का जो सिलसिला है वो जो है चल रहा है। और आप देख रहे होंगे किसी किसी को एक पेंसिल भी मिल रहा है। दोस्तों मैं आपको सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, सम्मान सम्मान होता है, सम्मान को आप पैसे से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि पेंसिल की क्या कीमत है, लेकिन मैं आपको बता दूँ जो सम्मान जो मंच पर या लोगों के सामने जो दिया जाता है उसकी कोई कीमत नहीं होती, वो प्राइसलेस होता है, उसको आप पैसे से कभी भी आप तौल नहीं सकते हैं। तो दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि मुझे तो बस एक पेंसिल मिला, मुझे तो जस्ट एक पेन मिला, बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं। तो इस तरह की बातें जो है आप अपने दिमाग से आपको निकाल देना चाहिए, क्योंकि सम्मान जो होता है वो प्राइसलेस होता है। ज़िंदगी में पैसों से कभी भी सम्मान को आप कंपेयर नहीं करा सकते हैं। तो जीवन में कभी भी पीछे मुड़ करके जो है नहीं देखना है दोस्तों। कभी किसी शायर ने कहा था कि रोशनी में चला आएगा अंधेरा कैसे, छीन सकता है कोई हमसे सवेरा कैसे। दोस्तों ज़िंदगी बस बिल्कुल यही है और आपको इस चीज़ पे काम करना है, फोकस करना है, कंसंट्रेट करना है। अब देखिए जो वाटर सेविंग डिवाइस को का जो लेकर के जो चर्चा बना हुआ है, तो वाटर सेविंग डिवाइस आखिरकार किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है, इन सब सारी चीज़ें जो है दुनिया के लिए एक बहुत ही नई चीज़ है। तो शुरुआती दिनों में जब मक्के के छिलके पर जब शोध किया, तो शुरुआती दिनों में लोगों ने भी ये कहा कि इसका क्या हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, दिमाग में ये बातें रहती हैं कि पता नहीं लोग जो कह रहे हैं वो सचमुच सही तो नहीं कह रहे हैं। तो दोस्तों ज़िंदगी में क्या होता है कि कभी भी जो आप करते हैं वो सिर्फ आप जानते हैं, आप ही बेहतर जानते हैं, दुनिया में वो कोई भी नहीं जानता है। मैं जो पर्सनली काम करता हूँ तो मैं जो काम करता हूँ सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ, दुनिया में कोई भी नहीं जानता है। तो ऐसा ही कुछ करना चाहिए। तो हमारे बीच में देखिए सम्मानित किया जा रहा है, ये पंकज भाई हैं, उसके बाजू में रेडी शर्ट में हमारे अभिषेक भाई हैं और उसके जस्ट पास में जो आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारे विकास भाई हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा, इत्तेफाक से मौजूद थे यहाँ पर ये हमारे निराले भाई उर्फ नीरो भाई को भी आप देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगा। सब लोग आसपास पड़ोस के हैं, इत्तेफाकन सब लोग मौजूद थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, सब लोग सम्मानित किया गया। तो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से जो है अच्छा लगता है, बच्चों को एक पेंसिल से जो है दे करके जो है इनकी हौसला अफजाई। ये लोग स्पोर्ट्स में थे, ये लोग खेल कूद में इन्होंने हिस्सा लिया था, भाग लिया था, तो इनकी हौसला अफजाई के लिए सब सारी चीज़ें जो है ज़रूरी हो जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि मैं शुरू में जब मक्के के छिलके पर जब मैं शोध कर रहा था तो लोगों ने कहा कि पता नहीं इसका भविष्य क्या हो सकता है। इवन कि मैं जब काम करता हूँ तो कभी भी ये नहीं सोचता हूँ कि आगे वाला क्या सोचेगा। खड़ा हो जाना ही
एक होता है, अच्छा लगे तो भी या कम अच्छा लगे तो भी, लेकिन उसको हौसला मिलना चाहिए। तुम्हें क्या कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये रो रहे और तुम सुन भी नहीं रहे। कौन रो रहा है? पेड़, आजकल पेड़ के बारे में परवाह ही कौन करता है, क्या आप सभी करते हैं? हम करते हैं पेड़ के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को जहां तक मुझे लगता है कि बेहतर लगा होगा कि बच्चों ने काफी बेहतर एक्ट किया। इसमें सब क्लास के बच्चे थे, आप ही में से बच्चे थे। तैयार कीजिए खुद को, अपने आप को आगे प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। आप ही में से कल कोई अच्छा फिल्म इंडस्ट्रीज में कहीं पर भी अपने आप को प्रोड्यूस या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कैसा लगा? जोरदार तालियां तो उनके लिए बजनी चाहिए। अब जो सम्मानित करने की जो बारी है वो हमारे शिक्षक गण की है। दोस्तों, इन लोगों से, ये जो चेहरा आप देख रहे हैं, इनसे हमने पढ़ना सीखा है, बहुत कुछ ज़िंदगी में सीखा है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इनको सही आदर, सही रेस्पेक्ट दिया जाए। मेनली आपको मैं बता दूं दोस्तों कि ज़िंदगी में कोई भी इंसान अगर आपको इवन के ए सिर्फ सिखाता है, या फिर ज़िंदगी में कुछ भी अगर आपको सिखाता है अच्छी चीज़ें, तो वो आपका गुरु होता है। उनका एहसान आप ज़िंदगी भर जो है, उनका एहसान आप नहीं चुका सकते। ऐसा ही कुछ है कि आज एक बड़ा इन्वेंशन हो गया, मतलब समझिए कि वाटर सेविंग डिवाइस एक बड़ा इन्वेंशन हो गया। तो इन्वेंशन कुछ ऐसा ही होता है, इन्वेंशन करने के लिए अलग से कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप खेलते कूदते रहिए, और लेकिन हाँ, एक सही प्लानिंग में आप अपने आप को लगाइए, अपने वक्त को, समय को लगाते चले जाइए, और लोगों की दुआएँ जो है आपको का कोई काम जो है सफल कराता है। ये बात आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, मशक्क़त करता हूँ, मैं एक नॉर्मल लाइफ जीता हूँ। लेकिन हमारे गुरु हैं, हमारे बड़े हैं, छोटे हैं, उन लोगों की दुआएं कोशिश करता हूँ कि टाइम टू टाइम लेता रहूँ, और बस यही सब दुआओं की वजह से कोई काम जो है सफल हो पाता है। तो आप सोचिए कि गांव में रहकर इन्वेंशन करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। लोग इन्वेंशन करने के लिए कोई बहुत बड़ा लैब सोचते हैं, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, लाखों करोड़ रुपया का खर्च करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं होता है। मुझे लगता है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे गुरुवर या फिर हमारे टीचर्स वगैरह की वजह से जो है मुमकिन हो पाता है। तो उनका रेस्पेक्ट करना हमारे लिए जो है हमारी जवाबदेही हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ ज़िंदगी में होता है। अगर आप कभी भी कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, कोई बड़ा काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप रेस्पेक्ट करना सीखना पड़ेगा, आपको दूसरों का आदर सत्कार करना सीखना पड़ेगा, तभी जाकर के आपकी ज़िंदगी जो है मेरे ख्याल से सफल हो पाएगी। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल आपके लिए हो जाएगा दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि किस चीज़ को लेकर के ये सारा सम्मान का मामला चला है। तो आगे देखिए किस तरीके से सीएस साहब ने इसका उद्घाटन किया, इनॉग्रेशन किया इस डिवाइस का। कोरोना काल में बहुत सारे पेड़ पौधे सूख गए थे, उतना ही जो है पौधे को मिलेगा। इसका सर खास बात यह है, उसको ऑन कीजिए, नल को ऑन कीजिए। कोरोना काल में सर हुआ क्या था कि एक महीना तक, मतलब मेरे स्कूल में कुछ पौधे थे, मैंने देखा कि पौधे सूख गए हैं। हमने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे घरों में भी ऐसा हुआ होगा, पौधे देखे चालू हो गए, पानी चालू हो गया। इसमें सर खास बात क्या है सर, ये जो 14 डिग्री जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं, टेम्परेचर सेट किया गया, ठीक है सर, और वातावरण का जो टेम्परेचर है वो 14। अब क्या होगा इसमें, जैसे ही टेम्परेचर जो है 10 से क्रॉस किया, पानी इसमें पड़ेगा, अपने जो है बैलेंस कर लेगा, टेम्परेचर को बैलेंस करेगा, और होगा क्या कि जमीन के नीचे, इसको हम जमीन के नीचे मानी डालेगा, टेम्परेचर जनरली जो है इसका कम जाएगा। अभी 10 आपने फिक्स किया हुआ है, 14 टेम्परेचर इसके पानी चालू जाएगा। जैसे ही पानी चालू होगा तो मिट्टी जो है, जो नमी इसमें आ जाएगी, ऑटोमेटिकली जिस टेम्परेचर से डाउन हो जाएगा, फिर वो जो है बंद हो जाएगा। तो मिट्टी में जितना नमी चाहिए उतना जो है उसको मिल जाएगा। इसका खास बात जो है, हाँ सर,
टेम्परेचर बिल्कुल। और मान लीजिए एक महीना के लिए कहीं भी अगर आपको जाना है, टेम्परेचर जो है देखिए 13 हो गया, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, 10 तक अभी टेम्परेचर देखिए धीरे धीरे कमने लगे, 10 तक जाएगा बंद हो जाएगा, उसको बंद कर दीजिए। इसका ये सिस्टम है, टेम्परेचर के आधार को मैं टारगेट करते हुए सर इसको जो है टेम्परेचर थोड़ा मैंने इसको 10 है, 10 फिक्स है, बंद हो गया, मतलब टेम्परेचर जैसे ही वो लेगा बंद हो जाएगा, लेवल पे आएगा बंद हो जाएगा, फिर नमी उसको मिल जाएगा फिर बंद हो जाएगा, फिर जैसे ही ड्राई होगा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर हम घटा बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, एडजस्ट कर सकते हैं बिल्कुल। और सर सबसे खास बात सर, जैसे कि एक डिवाइस है इससे हम 500 पौधों को पानी दे सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से पाइप हम जोड़ देंगे कनेक्टेड कर देंगे 500 में सैकड़ों पौधों को जो है पानी दे सकते हैं, इससे खास बात यही है। एक तालियां तो कम से कम लगनी चाहिए सर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।